किसान मोर्चा की बैठक पर बोले राकेश टिकैत, एमएसपी पर गारंटी कानून और केस वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसानों को नौकरी और मुआवजा दे राज्य सरकार, दिल्ली में बंद ट्रैक्टर पर भी होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आज सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक तय होगी, आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति, आंदोलन वापसी के पक्ष में ज्यादातर किसान। बैठक में किसानों की लंबित मांगों पर किया जाएगा विचार, एमएसपी पर गारंटी कानून समेत 6 मांगों पर होगी चर्चा। किसान नेताओं ने कहा, एमएसपी पर एक पैनल के लिए केंद्र सरकार को 5 नाम भेजे जाएं या नहीं, इस बैठक में लिया जाएगा फैसला। एसकेएम कोर कमेटी के सदस्य दर्शन पाल बोले, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिला कोई औपचारिक आश्वासन अपनी लंबित मांगों के लिए किसान संघर्ष करने को। पीएम मोदी को लिखे पत्र में किसानों ने 6 प्रमुख मांगे उठाई थी, लेकिन सरकार की ओर से अब तक नहीं मिला कोई जवाब। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और किसानों के बीच हुई बैठक, किसान नेता चडूनी ने कहा, बैठक में नहीं मिला संतोषजनक जवाब। किसानों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा यूपी समेत देश में किसानों की बढ़ रही है आय। राज्यसभा में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने की कार्यनीति पर काम कर रही है सरकार, प्रदेश सरकार की मदद से किसानों की आय बढ़ाई गई है। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों के मुआवजे पर कांग्रेस ने केंद्र पर उठाए सवाल, कहा हमारे पास 500 किसानों का आंकड़ा, मुआवजा दे सरकार। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा किसान मजदूर गरीबों की जब भी बात होती है सरकार बोलती है पैसे की कमी है, पूंजीपतियों की सरकार। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद समारोह का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, सीएम योगी की अध्यक्षता में महाराणा प्रताप और शिक्षा परिषद समारोह। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव में कराई लुंगी और टोपी की एंट्री, एसपी बीएसपी पर गुंडाराज चलाने का आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज बाराबंकी दौरा, सैकड़ों विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मथुरा पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, कहा काशी और अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी। यूपी बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की आज अहम बैठक, कमेटी के अध्यक्ष सुरेश खन्ना के आवास पर होगी बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा अगर समाजवादी पार्टी 22 महीने में एक्सप्रेस वे बना सकती है तो बीजेपी ने 4.5 साल क्यों लगाए। यूपी के झांसी में कांग्रेस पर अखिलेश यादव का तंज, कहा यूपी चुनाव में जीरो हो जाएगी कांग्रेस, कांग्रेस को यूपी से जनता भगा देगी। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, 7 दिसंबर को गोरखपुर जाएंगे पीएम मोदी, 9600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। मथुरा के जामा मस्जिद में एंट्री से पहले सघन चेकिंग, आधार कार्ड चेक करने के बाद ही मस्जिद में एंट्री। मथुरा में हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह जाकर जलाभिषेक का किया है ऐलान, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अदा की गई नमाज। 2023 तक होगा राम मंदिर का निर्माण, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने दी जानकारी, उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर भी धामी सरकार की तारीफ। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा यूपी में पिछले 4.5 साल से हिंदू हो या मुसलमान आपस में नहीं लड़े। यूपी के बिजनौर में बीजेपी विधायक के नारियल फोड़ते ही टूटी सड़क, सिंचाई विभाग ने कराया था निर्माण। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अपना दल विधायक का धमाकेदार डांस, शादी समारोह में फिल्मी गानों पर थिरके राजकुमार पाल, विधायक के डांस का वीडियो वायरल। सीएम योगी ने ट्वीट कर भारतीय नौसेना दिवस पर दी बधाई, कहा देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा हेतु सेवारत सभी जल प्रहरियों के शौर्य प्रणाम। सीएम योगी ने बच्चे को आशीर्वाद देते हुए ट्विटर पर फोटो और कविता शेयर की, सीएम ने ट्वीट में लिखा वीर तुम बढ़े चलो। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं विधान परिषद चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर, 6 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है 36 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल। एसपी सांसद आजम खान की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, शत्रु संपत्ति कब्जा मामले में चल रही है सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा, 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश की नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का बयान, कहा देश से ना तो कोरोना का खतरा कम हुआ है और ना ही सीमाओं पर चीन का। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, दिल्ली में 2.5 रुपए तो नोएडा गाजियाबाद में 3 रुपए महंगी हुई सीएनजी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सिद्धू मूसेवाला को बताया रॉक स्टार, कहा मूसेवाला जमीन से जुड़ा आदमी है। मूसेवाला ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद राहुल गांधी से भी की मुलाकात, मूसेवाला पर गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप। श्री कीरतपुर साहिब के बुंगा साहिब में किसानों ने अभिनेत्री कंगना रनौत के काफिले को रोका, चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर लग गया जाम। काफिला रोकने पर कंगना का आरोप, कहा मेरी हत्या की साजिश हो रही है, सिक्योरिटी नहीं होती तो मेरी लिंचिंग हो जाती। हरियाणा के गुरुग्राम में जुमे की नमाज को लेकर एक बार फिर से विरोध, सेक्टर 37 में हिंदू संगठन के लोगों ने नमाज का किया विरोध। ओवैसी के विधायक ने बिहार विधानसभा में नहीं गाया राष्ट्रगीत, अख्तरुल इमान ने कहा ये किसी पर खोपा नहीं जाना चाहिए। आज आंध्र उड़ीसा के तट से टकरा सकता चक्रवाती तूफान, आज शाम तक असर दिखा सकता है तूफान। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में जवाद तूफान को लेकर अलर्ट जारी, तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की 64 कंपनियां तैनात।
ओडिशा के पुरी में तबाही मचा सकता चक्रवाती तूफान, लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की सलाह। समंदर के तटीय इलाकों से गुजरने वाली 107 ट्रेनें रद्द, ओडिशा के 19 जिलों में स्कूल बंद। चक्रवात तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी अलर्ट जारी है, किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ तैनात। चक्रवाती तूफान जवाद का झारखंड पर भी असर, रांची समेत कई जिलों में बारिश की आशंका, तापमान में भी आ सकती है गिरावट। उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में आज और कल भी जारी रहेगी बर्फबारी, दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश कल। देश में बढ़ता जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा, एट रिस्क देशों से आए 12 यात्री दिल्ली के एलन जेपी अस्पताल में। एट रिस्क देशों से आए 16,000 यात्रियों के आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए, इनमें 18 कोरोना संक्रमित पाए गए, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव, परिवार के 4 लोग हाल ही में साउथ अफ्रीका से भारत आए। अफ्रीकी देशों से कर्नाटक के बेंगलुरु आए 10 यात्रियों की तलाश, फोन किया स्विच ऑफ, कर्नाटक सरकार ने कहा जल्द घोषणा निकालेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्वास्थ्य सचिव का राज्यों को पत्र, संक्रमण वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर रखी जाएगी नजर, राज्यों को टेस्टिंग ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने की आशंका, 5 गुना ज्यादा खतरनाक है वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बोले राहुल गांधी, वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच दिल्ली में बढ़े कोरोना के केस, बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 54 नए मामले। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, बीते 24 घंटे में 181 मामले आए सामने। यूपी के लखनऊ में रोहतास बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, दिल्ली लखनऊ गाजीपुर में की रेड। यूपी टीईटी पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी, कौशाम्बी में एसटीएफ ने देव प्रकाश नाम के शख्स को किया अरेस्ट, अब तक 36 से ज्यादा आरोपियों पर हो चुका है एक्शन। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई, सीबीआई से 20 दिसंबर तक मांगा जवाब। यूपी के उन्नाव में अवैध कब्जे को लेकर मारपीट, दबंगों ने महिला और बुजुर्गों को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। 16 दिसंबर को देहरादून आएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों की कायराना करतूत आई सामने, सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर में लगाई आग। खास संकट पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, कहा कांग्रेस और सामाजिक तत्व लाइन में लगकर करते हैं लूटपाट, फिर किसानों पर लाठीचार्ज का फैलाया जाता है भ्रम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एमपी में अपनी पुलिस फोर्स बनाई, सीधी में सड़कों पर उतरे बहुजन वॉलंटियर फोर्स के अधिकारी, दलितों की रक्षा का संकल्प। छत्तीसगढ़ में 7 आईपीएस समेत 8 पुलिस अधिकारियों का तबादला, सरकार ने बदले 5 जिलों के एसपी, कवर्धा एसपी मोहित गर्ग को भी हटाया गया। एमपी के उज्जैन में एक गांव में रेलवे क्रॉसिंग के पास महिला की डिलीवरी, खस्ता हाल सड़क के चलते वक्त पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी गांव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाएं, नीट पीजी काउंसिलिंग में देरी के खिलाफ 7 दिन से जारी आंदोलन। झारखंड के झरिया में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। बिहार के जमुई में नव निर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने पुलिस की 2 गाड़ियों को क्या क्या हवाले। बिहार विधानसभा में उठा पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग, आरजेडी ने सरकार को बताया तानाशाह, सरकार ने कानून का दिया हवाला। झारखंड से भी मंत्री सोरेन चाईबासा में शहीद फोटो के परिजनों को किया सम्मानित, ग्रामीणों के बीच परिसंपत्ति का किया वितरण। झारखंड के रांची में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने राजभवन के सामने दिया धरना, राज्य सरकार पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। झारखंड के लातेहार में नक्सल प्रभावित गांव की बदली फिजा, गांव के बच्चों ने हथियार की जगह थामा कमल का और किताब, सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन की कोशिशों से बदला है माहौल। सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों को सौंपी अलग अलग जिलों के प्रभार की जिम्मेदारी, नियमित तौर पर मंत्री जिलों में करेंगे सरकारी योजनाओं की समीक्षा। जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस की रैलियों से हटे संकट के बादल, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को किया खारिज, कहा रैलियों के आयोजन से किस कानून का हो रहा है उल्लंघन। राजस्थान के अलवर में बेखौफ अपराधी विक्रम गुर्जर नाम के शख्स ने एसएचओ को दी वीडियो कॉल पर धमकी, का पिस्टल दिला दो नहीं तो जान से मार दूंगा। राजस्थान के चूरू में बाइक और पिकअप की टक्कर, दंपति समेत 3 की मौत, बूंदी में ट्रक और मेटाडोर की भिड़ंत हुई है, 1 व्यक्ति की मौत। करौली में बेरहम बाप की करतूत, चाय नहीं बनाने पर 13 साल की बेटी को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा और हिमाचल सरकार अलर्ट, अनिल विज बोले पूरी तरह से तैयार है हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग। हिमाचल में 7 दिसंबर तक खराब मौसम की संभावना, मैदानी इलाकों में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, पहाड़ों से मैदान तक शीतलहर ने बढ़ाई है लोगों की मुसीबत। यूथ कांग्रेस के एचपीएससी दफ्तर का घेराव करने पर कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी का एतराज, बोले 7 दिसंबर को है कांग्रेस का प्रदर्शन, पहले घेराव करना अनुशासनहीनता। अब 1 घंटे में आपके पीएफ का पैसा सीधे आपके खाते में आएगा, इमरजेंसी को देखते हुए ईपीएफओ ने नियमों में किया है बदलाव। नए साल से एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, मुफ्त सीमा से ऊपर का वित्तीय लेन देन करने पर अब 21 रुपए शुल्क और जीएसटी लगेगा। क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, का क्रिप्टो करेंसी जैसी मुद्रा पर नियंत्रण के लिए बनाना होगा वैश्विक तंत्र।
पीएम मोदी ने भी बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव के दिए संकेत। पीएम ने कहा कार्यालयों में बिना काम करने वाले डिजिटल बैंक पहले से ही एक वास्तविकता है। डिजिटल भुगतान स्टे का लाभ लेने के लिए उत्सुक है भारत। वैश्विक स्तर पर कई नियामकों से भी हो रही है बातचीत। मुंबई आकर काफी खुश है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एजाज पटेल, बोले वानखेड़े में खेलना सपने सच जैसा होना है। स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। मैदान पर फिर दिखा दादा का जलवा, लगाए ताबड़तोड़ शॉट से इडन गार्डन में 15-15 ओवर का प्रदर्शनी मैच आयोजित किया गया था। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डबल धमाका, 2 गोल दागकर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को दिलाई जीत पूरे के 800 गोल। नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान, कहा डेल्टा को रिप्लेस कर देगा ओमिक्रॉन। हमें पैनिक होने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत। पाकिस्तान में श्रीलंका के नागरिक की पीट पीट कर हत्या, अब तक 50 लोग गिरफ्तार। इमरान ने कहा किसी को बख्शेंगे नहीं। व्हाइट हाउस ने दी रूस को चेतावनी, कहा यूक्रेन पर किया हमला तो होगी कार्रवाई। यूक्रेन और रूस की सीमा पर लगातार बढ़ रहा है तनाव। माधुरी दीक्षित ने खूबसूरत डांस करते वीडियो किया शेयर, माधुरी के डांस से मचाया धमाल। दिव्यांगा त्रिपाठी का नया डांस वीडियो आया सामने, दिव्यांगा का डांस देखकर फैंस हुए दीवाने। रवि दुबे का नया वीडियो है सामने, वीडियो में रवि दुबे शानदार डांस करते आ रहे हैं नजर। कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, टेरेंस ने डांस वीडियो से मचाई थी। रुबीना दिलेक का मजेदार वीडियो है सामने, वीडियो में रुबीना जमकर मस्ती करते हुए आ रही है नजर।